शहर कांग्रेस की ओर से रविवार को बूथ जिताओ भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान को लेकर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता पैदल मार्च करते निकले और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसी के साथ साथ कांग्रेस ने चंदा एकत्रित अभियान की भी शुरुआत की ताकि उनको बार बार पैदल मार्च नहीं करना पड़े। पैदल मार्च के दौरान कांग्रेसियों ने लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही और हाथों हाथ जो मिला उससे चंदा लेकर उसकी रसीद भी दी गई। कांग्रेसी नेता हेमंत बाटी ने कहा कि इस बार जनता ने अपना मन बनाया है कि भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करना है और उसी के तहत वे जनता का समर्थन मांग रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से AICC के द्वारा जो निर्देश हम मिले हैं, विजय जैन साहब के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर सभी कांग्रेसी उपस्थित हुए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो BJP सरकार की विफलताएं रही हैं, झूठे वादे कर उस सत्ता के अंदर काबिज हुई, उसके बाद आम जनता को रौंदने का काम किया है। तुगलकी फरमान जारी करके आम आदमी को आर्थिक संकट भी दिए हैं, बेरोजगारी भी दी हैं, जिन मुद्दों को लेकर आज प्रदेश की पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है, उसी के संदर्भ में आज सभी कांग्रेसी एक जनसंपर्क रैली के रूप में भाजपा की विफलता को दुनिया को बताते हुए विधानसभा चुनाव की आगाज कर रही है और ये रैली आज शहर के अंदर निकाल रहे हैं, उसके बाद ये ब्लॉक और वार्ड स्तर तक जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार बूथ जिताओ और राजस्थान से भ्रष्टाचार मिटाओ किस आह्वान के साथ आज कांग्रेस जन रैली निकाल कर आम जनता को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 5 साल पहले जय जय राजस्थान के नाम पर सरकार में जो लोग आए थे, विकास के नाम पर सरकार में आए थे, चाल चलित और चेहरे के नाम पर सरकार में आए थे, आज 5 साल बाद के अंदर महंगाई अपने चरम पर है, नौजवान का हाथ खाली है, किसान को समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है और महिलाओं का सम्मान इस राजस्थान के अंदर दिन पे दिन गिरता चला जा रहा है। इन तमाम बातों को जागृत करने के लिए आज कांग्रेस जन बूथ पे जाकर लोगों को जागृत करेंगे, लोगों को याद दिलाएंगे कि देश के आज़ादी के आंदोलन में अजमेर के विकास के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भ्रष्टाचार के जो जड़ के रूप में है। वहीं पुष्कर ब्लॉक में भी कांग्रेसियों ने रैली निकालकर लोगों से पार्टी के समर्थन में अपना मत देने की अपील की। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्मा मंदिर से हुआ जहां पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर, इंसाफ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंजू कूड़िया सहित कांग्रेस पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों ने हाथ में बैनर लेकर बूथ को मजबूत बनाने के लिए लोगों से समर्थन मांगा। कांग्रेस नेताओं ने बूथ जिताओ भ्रष्टाचार मिटाओ के नारे लगाते हुए अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास किए। ब्रह्मा मंदिर से शुरू हुई रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई नए रंगजी मंदिर पर पहुंची। इस दौरान कांग्रेस पार्टी से जुड़े अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय पायलट साहब द्वारा निर्देशित प्रोग्राम बूथ जिताओ भ्रष्टाचार मिटाओ प्रोग्राम का पूरे प्रदेश भर में आज आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि बूथ को जिताओ भ्रष्टाचार को उधर से खत्म करना ये आह्वान माननीय पायलट साहब ने किया। तो हम सब कांग्रेस जन आज सभी ब्लॉकों में, पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉकों से ये आयोजन किया जा रहा है और पुष्कर में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हम सब लोगों को यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना है कि बूथ को जिताना है, कांग्रेस को जितानी और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। कहाँ से कहाँ तक कार्यक्रम ले रहे? ये ब्रह्मा मंदिर से रंजी के मंदिर पर। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।